ये कलकत्ता का चर्च है भैया, सबसे पुराना चर्च है, और हम इस समय रोड से ले रहे हैं, पता नहीं अंदर जाने दे या ना जाने दे, पर ये सबसे पुराना बिल्डिंग है चर्च का। अभी आगे जाके देखते हैं ये मतलब एंट्री है या नहीं। देख सकते हो दोस्तों, सबसे पुराना चर्च भारत का, कितना ऊंचा है। एक ये दरवाजा है, बंद पड़ा है, और देखते इसका मुख्य दरवाजा किधर है। लॉन देख सकते हो चर्च के सामने, कितना शानदार लॉन है। अभी पेड़ खजूर के, बंद पड़ा है भैया कोरोना कारण। दोस्तों ये है बिरला म्यूजियम, और ये एक स्तूप के आकार का बनाया हुआ है, और शायद ये भी कोरोना के चलते बंद हुआ पड़ा है भैया, इसमें शायद एंट्री नहीं है। चलिए ठीक है, ये इसका टाइमिंग है भैया खुलने का, और ये बिरला प्लेटेनियम सौर मंडल की जितना है तो उसका 100 चलता है, डिस्प्ले के ऊपर 100 चलता है, तो वो दिखाया जाता है रमन साइंस के केंद्र की तरह, जैसे मैंने रमन साइंस केंद्र देखा था, पर उसमें 100 नहीं था, इसमें 100 चलेगा। तो हम अगर टाइम रहा तो हम आ पाएंगे, वरना इसको क्या देखते हैं यार सौर मंडल का, तो वो तो सब जानते हैं, बच्चों के लिए रहता है ये। तो आपके कोलकाता का बिरला प्लेटेनियम आप लोगों के सामने ये है। तो ये कैथोलिक जो चर्च है उसके जस्ट बाजू में है, और घूमने का यहाँ लगातार एक के बाद एक, तो हम दूसरी जगह चलते हैं देखते क्या है। तो दोस्तों आज हमें कलकत्ता के कौन से पार्क में, अभी हम तुमको बताते हैं। और ये टाटा सेंटर है, आप देख सकते हो टाटा सेंटर की बिल्डिंग बहुत ऊंची है भैया, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये देख सकते हो हमने विजिट कर ली टाटा सेंटर, और हम आए हैं एलियट पार्क में। ये घूमने लायक एक स्थान था वेस्ट बंगाल का, देख सकते हो, लेकिन हमारा भैया कट चुका है क्योंकि गेट बंद है कोरोना काल के कारण। वैसे पार्क देखने लायक बताया, बहुत सुंदर बताया, और क्योंकि यहाँ पर कोलकाता पुलिस लग रहा है, आप देख सकते हो पार्क की जानकारी भी दे रखा है यहाँ पर। एलियट पार्क है, गोवा कोलकाता की शान, स्वच्छ व सुरक्षित नागरिक बने रही है, तो पार्क है। इसके अलावा एक इको पार्क बताया, जो भी बंद बताया, और यहाँ पर चार पांच चीज़ें जो मैंने लिस्ट दिखाई थी उसमें चार पांच चीज़ें थी। एक यहाँ का जो कोलकाता का सबसे पुराना, दोनों के बीच में ऐसे लग रहा है जैसे मैं वो टावर नहीं थे क्या जो उसमें अमरीका के उसमें डिशिंग लाइट हो गया, ऐसे दो टावरों के मध्य में खड़ा हूँ। तो कोलकाता का जो यहाँ का सबसे पुराना चर्च था वो भी बंद है, बिरला जो मेमोरियल जो क्या बोलते हैं उसको वो खुला है, लेकिन उसमें क्या देखे यार, सौर ऊर्जा का ये वो फलाना निमका। हावड़ा ब्रिज खुला है जिसके ऊपर हम जा सकते हैं। एक इको पार्क बताया, इको पार्क के अंदर ये है कि बोलते जो वर्ल्ड के जो बोलते हैं ना, मतलब जैसे भारत का ताजमहल, पीसा की मीनार, ऐसे जितने भी जो विश्व के जो वो रहते हैं यार, क्या नाम भूल जाता हूँ मैं कंफ्यूजन में। हाँ तो भैया जैसे वो विश्व के अजूबा है जो दीवारें वगैरह, मतलब जो मैंने बता रहा ताजमहल वगैरह, ऐसी इको पार्क में वो सभी बना रखे हैं, उनकी कृति बना रखी है, देखा देख तो वो सारी कृतियाँ बना रखी है। तो बोलते इको पार्क देखने लायक है, लंबा टाइम चाहिए उसको देखने में, पर क्या करे भैया, वो कोरोना बाबा उसको भी ले डूबा, और हमारा आना थोड़ा सा यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। यहाँ पर घूमने लायक था दक्षिणेश्वर मुख मंदिर है, पर वो भी दूर है हमारे यहाँ से, हम शायद टाइम को कवर नहीं कर पाएंगे, 40-50 किलोमीटर दूर पड़ रहा है वो यहाँ से जाने के ऊपर, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पर जाने के लिए और देखने के लिए। और अब हावड़ा ब्रिज है और स्टेशन है, बस हम वहीं जाएंगे, इसके अलावा और कोई वो नहीं। तो दोस्तों एलियट पार्क की यादगार के लिए एक ये दोबारा कोलकाता आएंगे, टेंशन ना लीजिए। दोस्तों कोलकाता के भैया कुछ खुल नहीं रहा, तो हावड़ा के यहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक मैदान है, तो दिखा सकते हैं भैया मैदान आपको। मैदान में क्रिकेट की बढ़िया प्रैक्टिस की जाती है, और भैया यहाँ से लाइट नहीं दिख रही शायद, ये यहाँ से हावड़ा का ब्रिज भी दिख रहा है, यहाँ से विक्टोरिया पैलेस दिख रहा है, ये बंद है इस समय, यहाँ से मतलब ये
जो चर्च है इनका वो दिख रहा है, और इसके जस्ट चर्च के बाजू में वो है, और इसके अलावा यहाँ पर लाइट और दिख रही है जो यहाँ ईडन गार्डन जो यहाँ का क्रिकेट का बहुत बड़ा वो है। इसके अलावा इस पार्क के अंदर लोग फैमिली और उसके अलावा फ्रेंड्स वगैरह इंजॉयमेंट के कपल के लिए मतलब सबसे बेस्ट है। कपल क्या बेचारे सिंगल भी बैचलर अकेला देख गम बुला रहा है मेरा भाई पीता हुए जमाने के लिए, मतलब उस टाइप से आते हैं। और ये एक तरह का चौपाटी समझ लो या एक तरह का वो यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए परा उस तरफ पालकी वगैरह भी है, रथ टाइप के घोड़े वोड़े है जिन पर घोड़ों पर बैठकर आप पैसा देकर आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो, वीडियो वगैरह बनवा सकते हो यहाँ पर, जैसे वो नहीं होता शॉर्ट्स वगैरह की वीडियो बनवाते गाने वगैरह की, उस टाइप का भी यहाँ बनाया जाता है देख सकते हो। कपल का भी यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर आते सब ये लड़का क्या देख सकते हो भैया यहाँ से विक्टोरिया पैलेस कितना शानदार है। खैर जब बंद है तो बाहर से ही देख सकते हैं दूर से। तो अभी हम निकलते हैं रोड पर, बस पकड़ कर हावड़ा पहुँचेंगे। ये है दोस्तों ये मैदान है यहाँ का फेमस। और भैया हम क्या करें, वैसे तो मेरी वीडियो हर वीडियो लंबी रहती है चाहे खाने की हो चाहे कैसी हो, पर क्या करें जब बंद है तो क्या बताया जाए। अब ये मैदान है, मैदान में भैया सब फैमिली वगैरह लगे हुए है, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ कौन है, कुछ खेलने में लगे पड़े, तो उनका क्या बताए अपनी अपनी। हाँ भैया वहाँ पर देखो वीडियो शूट होते तो उस जगह ऐसा दिखा देता हूँ सर धुंधला रहा है, हाँ उस जगह वीडियो शूट टाइप का हो रहा है जैसे वेडिंग का होता है या वैसे। और उधर वो पालकी वगैरह खड़ी है वहाँ पर, तो बने रहिए ब्लॉक में। अभी हमारा शायद आना नहीं आना क्या बताए, काली का दर्शन हो गया, यहाँ का खाने पीने की हमने जो मिठाई वगैरह भी देखी थी, और खाना यहाँ का ऐसा है, खाने के बारे में बता दूँ यहाँ खाने में हरी मिर्च का प्रयोग नहीं होता है और लाल मिर्च पाउडर तो भैया गिरता ही नहीं है, खाने में काली मिर्च का पाउडर का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ का थोड़ा खाना मीठा मीठा सा रहता है, चरचराहट वाला या तीखा स्पाइसी रहता ही नहीं है, मतलब ये है। तो बस और कुछ चीज़ तो यहाँ पर स्पेशल है नहीं, सबका किया हमने घूमे फिरे और अब टाइम स्पेंड कर लिया क्योंकि आज कुछ खुला नहीं है तो फिर कहाँ जाए, तो इस मैदान में आकर सोए हैं और भैया अब उठकर चल दे रहे हैं। अब हावड़ा ब्रिज देखते हैं, वो तो खैर खुला रहता है ओपन है, तो वहाँ देखते हैं वहाँ कुछ वीडियो शूट करने को मिलता है या नहीं। तो भैया एक ये छोटी सी वीडियो मैदान के नाम, यहाँ की चौपाटी समझिए कुछ भी समझिए।